हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट सीकर पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम रीजनिंग के अंतर्गत अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि नंबर 1 आपका डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। नंबर 2 ब्लड रिलेशन, नंबर 3 मिसिंग नंबर, ठीक है ना। तो किसी भी साथी ने ये क्लासेस नहीं की हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से इन क्लासेस को भी आप कर लीजिए। और आज से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या कौन सा चैप्टर है हमारा? 4th नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग का ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बिना रीजनिंग अधूरी है। और ये चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, कंपटीशन के मामले में आप कोई सा भी कोई से भी क्षेत्र में जाए, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक है और इसे हम बड़े आसानी से कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस में आपको सिखा देंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं समय ना खराब करते हुए। इस कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप कौन सा बनता है? फर्स्ट बनता है लेटर कोडिंग, सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है नंबर कोडिंग से, नंबर कोडिंग, और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है नेक्स्ट कोडिंग, ठीक है ना। लेटर कोडिंग में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और नंबर कोडिंग में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और नेक्स्ट कोडिंग में अक्षर और संख्या दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेटर कोडिंग से। लेटर कोडिंग को जानने के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ज्ञान होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे है, जेड कौन से नंबर पे है, ई कौन से नंबर पे है। तो पहले हम इसे समझते हैं। आइए, ABCD तो आपने सबने पढ़ी होगी, M, और ये N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये Z। आप सब जानते होंगे A कौन से नंबर पे आता है, कुल लेटर्स होते हैं हमारे 26। A आता है हमारा 1 पर, B 2 पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। आप सभी जानते होंगे इनको। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, इनका स्थान आपको पता होना चाहिए कि B कौन से नंबर पर है, सी कौन से नंबर पे है, एच कौन से नंबर पे है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक छोटी सी आपको ट्रिक बताते हैं, उसके थ्रू भी आप इसे याद कर सकते हैं। वो क्या है? एजोटी, ई जे ओ टी वाई। एजोटी से आप कैसे याद कर सकते हैं? एजोटी से आप कर सकते हैं, ई का स्थान क्या है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और ये 25। अब आप कैसे याद कर सकते हो? ई से पहले क्या आता है देखे थे, यहाँ ए बी सी और डी, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 और ये 4 पर। तो आपको आसानी हुई, ई से पहले आपको पता चल गया ई का स्थान क्या है, 5।
और ई से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, तो आप यहां से निकाल लोगे। और जे ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई, ठीक है ना। पांच तो ये हो गया ई का स्थान, एफ क्या है 6, जी 7, एच 8 और आई 9, जे कौन सा हो गया फिर 10। इसी प्रकार आप पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आपको बस पता क्या होना चाहिए, एजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। यहां तक आप समझ चुके होंगे मैं आशा करता हूं। हमने क्या बताया आपको, ऑर्डर निकालना सिखाया कि एक ऑर्डर कैसे निकलेगा, यहां से आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस हम इतनी करा देंगे कि आपको उसी के माध्यम से याद हो जाएंगे ये सारे लेटर्स के कौन कौन सा लेटर किस स्थान पर है, ठीक है ना। अब आपको सेकंड बात बताते हैं हम, सेकंड बात क्या है हमारी कि अब हमने पहले सीखा ऑर्डर में लगाना, ऑर्डर कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, हमको जानना है कि ए का विपरीत क्या होता है और सी का विपरीत क्या होता है और डी का विपरीत क्या होता है। इस तरीके से भी एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, तो हम कैसे सीखेंगे। यहां देखिए आप, ए का विपरीत क्या होगा, जेड, ठीक है ना। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, ठीक है ना। यहां से हमको पता चल रहा है कुल लेटर्स होते हैं 26, तो 13 यहां और 13 यहां, तो ए का विपरीत क्या होगा, जेड, ठीक है ना। इसकी ट्रिक हम आपको बता देंगे, ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक आप जान सकते हो आजाद से, ठीक है ना। कैसे जान सकते हो, ए का विपरीत क्या निकला यहां से, ए से जेड हमारा, ठीक है ना। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, मतलब ट्रिक अगर हम सीखे आजाद मतलब ए जेड, आजाद, ए का विपरीत क्या हुआ, जेड। इसी प्रकार बी का देखें हम, बी का क्या निकलेगा, बॉय, बी बाई, ठीक है ना। इसकी ट्रिक देखें हम, इसकी ट्रिक क्या है, बॉय, बी ओ बाई, ठीक है ना। बी का विपरीत क्या हुआ, बाई। इसी प्रकार सी की देखें हम, सी की ट्रिक क्या है, ट्रैक्स, सी आर ए एक्स, ठीक है ना, सी और एक्स, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं डी की देखते हैं, डी का विपरीत क्या है, डब्लू, डब्लू की ट्रिक क्या है, डी यू, डी ई डब्लू, ठीक है ना, पीने वाली डी यू, ओके ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या आएगा डी के बाद, ई। अब ई की ट्रिक देखें हम, एक साथ बताते हैं आपको, एफ जी एच आई जे के, ई का विपरीत क्या होता है, वी। इसकी ट्रिक क्या है, इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग। तो यहां से आपको ट्रिक मिली इवनिंग वाली, ठीक है ना। ई का विपरीत क्या निकला यहां से, वी। और एफ का विपरीत देखें हम, तो एफ का विपरीत होता है यू, फुल, एफ यू एल, ठीक है ना। ये आपको मीनिंग पर मत जाना कि मीनिंग कौन सी है क्या है, आपको बस छोटी सी हमने ट्रिक बताई है। डी डब्ल्यू की क्या है, दीवार या डी यू, ठीक है ना, डी डब्ल्यू। इवनिंग की आप अपने माध्यम से भी ट्रिक सेट कर सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको यही ट्रिक याद करनी है, ठीक है ना। एफ की, एफ से क्या बनेगा, फुल, तो एफ यू, एफ का विपरीत क्या हुआ, यू, ठीक है ना। और जी से, जी का विपरीत क्या होता है, जी टी, इसे बोलते हैं जी टी रोड, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकला, जी टी, जी का विपरीत क्या निकला, टी। अब यहां आगे देखते हैं एच, एच का विपरीत होता है एस, ठीक है ना। इसकी ट्रिक होती है एच ए एस, हस, ठीक है ना। एच तो यहां हो गया, एस यहां हो गया, हसना, तो हसना से हम ट्रिक बनाएंगे इसकी, हस, ठीक है ना, हसना, ठीक है ना, हसना। तो एच का विपरीत क्या हुआ, एस। इसी प्रकार आई का विपरीत होता है आर, इसकी ट्रिक क्या है, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इंडियन रेलवे। आई की ट्रिक क्या हो गई, आई आर, इंडियन रेलवे से, यहां से आई मिला, यहां से आर मिला। और जे की ट्रिक क्या होती है, क्यू, इसे बोलते हैं जोकर, ठीक है ना, क्यू यू ई आर, जोकर, जे क्यू, जोकर। तो यहां से जे मिला जोकर से, और यहां से क्यू मिला। और के की ट्रिक क्या है, के का विपरीत कौन है, पी, ठीक है ना, इसे बोलते हैं के पी सिंह,
ठीक है ना, केपी सिंह, के पी, ठीक है ना। यहाँ से के की ट्रिक क्या मिली, केपी सिंह, इसे नोट कीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, ये तक हो गए थे हमारे, अब आगे आते हैं एल पर। एल का जो विपरीत अक्षर है वो क्या है, और एल के बाद एल, एल के बाद एम, ठीक है ना। एल का विपरीत हो गया ओ, इसकी ट्रिक होती है लॉयन से, ठीक है ना। यहां से एल मिला और यहां से ओ मिल गया, ठीक है ना। एल बोलते हैं, एल की विपरीत होता है ओ, एल आई ओ एन, लॉयन। यहां से क्या निकल रहा है हमें, एल और ओ, एल का विपरीत क्या हो गया, ओ, लॉयन, ठीक है ना। और एम का विपरीत होता है एन, इसकी ट्रिक क्या है, एम ए एन, मैन, ठीक है ना। एम से क्या मिल गया, एम मिल गया, और एन से क्या मिल गया, ये एन मिल गया, मैन, ठीक है ना, लॉयन और ये मैन। आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ए से ए का विपरीत क्या है, जेड, बी का वाई, इसी प्रकार सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी और एफ का यू। इसकी ट्रिक हमने आपको अभी बताई है, ए और जेड की ट्रिक क्या बताई थी, आजाद, बी और वाई की बॉय, सी और एक्स की क्रैक्स, और डी डब्ल्यू की ड्यू, ठीक है ना, ई वी की इवनिंग, और एफ यू की फुल, जी टी की जी टी रोड, एच एस की ट्रिक बताई थी हमने हंसना, ठीक है ना, आई आर की बताई थी इंडियन रेलवे, जे क्यू की बताई थी हमने जोकर, और के पी की के पी सिंह, और एल ओ की लॉयन, और एम एन की एम ए एन। अब आप बताइए, आपको यहाँ तक हमने दो चीजें बताई, एक तो बताया आपको अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है, स्थान होता है, वो हमने आपको बताया, एजोटी से भी बताया और वैसे भी लिख के बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने एक बताया कि ए के विपरीत क्या होता है, के एम के विपरीत क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आपको घर पे क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए, कि आपको ये ए से जेड तक का स्थान पता होना चाहिए और विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ हुआ बेसिक्स, अब यहाँ से आगे चलते हैं। हम क्वेश्चंस हमारे कैसे पूछे जाते हैं लेटर कोडिंग के अंतर्गत, तो हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, उसी के थ्रू आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर शो कर रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष फूट भाषा में रेवाड़ी को टी जी वाई सी टी के रूप में लिखा जाता है, तो दहली को उसी फूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। शब्द दे रखा है हमें आर ई डब्ल्यू ए आर आई, ठीक है ना, इसे क्या लिखा जा रहा है, इसे लिखा जा रहा है टी जी वाई सी टी के, ठीक है ना। अब पूछा क्या है उसने, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो यहां सबसे पहले आपको क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्रम लिखिए कि आर कौन से स्थान पर आता है, आर आता है हमारा 18वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, डब्ल्यू 23वें स्थान पर, ये एक पर, ये 18 और ये 9 नंबर पर, टी आता है हमारा 20 पर, जी 7 पर, ये 25, ये 3, ये 20 और ये 11, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ऑर्डर में लिख लीजिए आप कि ये कौन कौन से स्थान पर आते हैं। अब यहाँ से देखिए आर और टी का संबंध क्या है, यहाँ से मिल रहा है 18 से 20 देखें तो प्लस 2 करने पर हमें ये टी मिल जाएगा आर में, इसी प्रकार 5 में अगर 2 जोड़ दें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 7, और 7 क्या होता है जी, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, और डब्ल्यू में कितना जोड़े हम, प्लस 2, तो क्या मिल रहा है हमें, वाई मिल रहा है, तो यहाँ भी प्लस 2 ही काम कर रहा होगा। ए और सी में प्लस 2 करते हैं तो सी मिलता है, आर में प्लस 2 करते हैं तो क्या मिलता है, टी मिलता है, और आई में प्लस 2 करते हैं तो हमें मिलता है ये के। तो हमें यहाँ से क्या कोड मिला, प्लस 2 हो रहा है सभी में, ठीक है ना। तो जब यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 2 होगा, तो आप इसका स्थान लिख लीजिए, इसका स्थान डी कौन से नंबर पर आता है हमारा, 4, ई 5 नंबर पर, एल 12 पर, एच 8 पर, और आई 9 नंबर पर। जब यहाँ से प्लस 2 करते हैं हम, ठीक है ना, सभी में क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है,
ठीक है ना, सभी में क्या हो रहा है, प्लस दो हो रहा है। जब चार में प्लस दो करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सिक्स, और सिक्स कौन सा स्थान होता है, एफ का। और पांच में जब प्लस दो करते हैं, ई का स्थान क्या है, पांच, जब दो करेंगे क्या निकलेगा, सेवन, और सेवन क्या होता है, जी का स्थान, ठीक है ना। और एल में प्लस दो करते हैं तो चौदह मिलता है, चौदह क्या होता है, एन का। और एच क्या है, आठ, इसमें दो करेंगे तो टेन मिलेगा, टेन क्या होता है, एजोटी से आपने देखा होगा क्या, ई जे, जे क्या होता है, टेन, तो यहां से क्या मिला हमें, जे मिला। और आई में प्लस दो करते हैं तो क्या मिला, आई में जब हम प्लस दो करेंगे तो मिलता हमें इलेवन, ठीक है ना, नाइन में प्लस दो करते इलेवन, और इलेवन क्या होता है, के। तो हमारा आंसर क्या निकला, एफ जी एन जे के, यही क्या हमारा राइट आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, एफ जी एन जे के। आपने क्या समझा यहाँ, सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ आपको ऑर्डर में देखना है कि आर ऑर्डर लिख लीजिए आप, कि आर का क्या होता है, ई का क्या होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, पर उसके हिसाब से देखिए पैटर्न क्या लग रहा है, इसमें क्या कोड किया गया है, आर को टी कहा गया है, ई को जी, तो आर टी, आर क्या होता है, अठारह है, यहाँ से देखिए तो प्लस दो करने पर टी मिल जाएगा ई में, और आर में भी इसी प्रकार सब में प्लस दो करने पर क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा नीचे वाली, इसी प्रकार सभी में प्लस दो करेंगे तो ये आंसर निकलेगा हमारा, नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर शो कर रहा होगा, जब तक आप निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, डी ए आई एस बाई, डी जी को क्या कहा जा रहा है, सी बाई एफ ओ टी, ठीक है ना, निकलवा क्या रहा है वो हमसे, यदि किसी कूट भाषा में इसे इतना कहा जा रहा है तो उसी कूट भाषा में रोज को क्या कहा जाएगा, आर ओ एस ई, रोज क्या कहा जाएगा, रोज को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप ऑर्डर में जो इनका स्थान है, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है, आप उसमें इन्हें लिख लीजिए, डी का क्या होता है चार, ए का वन, आई का नाइन, और एस होता है उन्नीस नंबर पर, वाई होता है पच्चीस नंबर पर, यहाँ से ये तीन नंबर पर, ये पच्चीस नंबर पर, एफ छः नंबर पर, ओ पंद्रह नंबर पर, टी ट्वेंटी नंबर पर। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कर लेना, और प्रैक्टिस करोगे आप तो इनके माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, देखिए चार, और यहाँ से ये तीन मिला, ये एक, यहाँ से पच्चीस, ये नौ, ये छः, तो चार में से तीन कैसे बना होगा, माइनस वन करने पर, ठीक है ना। ये एक है और ये पच्चीस है, तो एक में से कितना घटाएं कि ये बाई आ जाए, माइनस दो करने पर। ये नाइन है, ये सिक्स है, तो कितना घटा होगा, माइनस तीन। ये उन्नीस है, ये पंद्रह है, तो कितना घटा होगा, माइनस चार। ये पच्चीस है और ये बीस है, कितना घटा, माइनस पाँच। तो हमें क्या कोड मिला, सभी में क्या हो रहा है, लगातार जो घटाव हो रहा है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, लगातार ऐसे चल रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, इसी प्रकार होगा, यहाँ माइनस वन, या माइनस टू, या माइनस थ्री, या माइनस फोर। तो आर का स्थान क्या होता है, 18, ये ओ होता है 15 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, ई क्या होता है 5 नंबर पर। जब हम यहाँ से निकाले हैं 18 में से जब एक कटाते हैं तो मिलता है 17, 17 किसका स्थान होता है, क्यू का, ठीक है ना। और 15 में से जब दो कटाते हैं तो मिलता है हमें क्या, 13, 13 क्या होता है, एम। एस 19, 19 में से तीन घटाएंगे 16, 16 क्या होता है, पी। एजोटी से आप देख लीजिए, और पाँच, पाँच में से चार गया तो एक, एक क्या होता है, ए। तो आंसर क्या निकला हमारा, क्यू एम पी ए, यही क्या हमारा आंसर, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है, ओके ना। तो यहाँ से हमें कोड मिला, यहाँ से नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करोगे तो आपको आसान हो जाएगा, आपको कोड दिखाई देने लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न इसमें लगा है, कौन सा कोड इसमें काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। इस क्लास का लेवल हमारा जीरो से एडवांस लेवल तक जाएगा। फर्स्ट क्लास आप यूं मत समझना कि हमने
स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे ले लिए हैं, इसका लेवल धीरे धीरे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक निश्चित कूट भाषा में ओ क्यू आई ओ क्यू क्यू आई ओ क्यू तो क्या लिखा जा रहा है, ओ आई क्यू ओ क्यू क्यू आई ओ क्यू ओ क्यू आई, ठीक है ना, इतने को इतना लिखा जा रहा है। और उसने पूछा क्या है, तो ई एफ ई एफ के ई एफ एफ ई के, ठीक है ना, ये उसने पूछा है। तो आप सबसे पहले हमने बताया था आपको कि ऑर्डरिंग करनी है, स्थान उनका देना है कि ओ किस स्थान पर क्यू किस स्थान पर यहाँ क्या है, दूसरा पैटर्न लागू हो रहा है। इसमें लेटर कोडिंग में 4 से 5 तरीके के सवाल बनते हैं, 2 सवाल हमने कराए थे, एक टाइप तो वो हो गया और ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। इसमें क्या है, आपको ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा होगा ओ यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, क्यू, मतलब सारे लेटर्स नीचे ऊपर दे रखे हैं और ऊपर के भी ये नीचे दे रखे हैं, मतलब ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका इधर से उधर हो रहा है। जो क्रम है 1 2 3 अगर हम करें इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, सारे जो ऊपर लेटर्स दे रखे हैं वही क्या है हमारे नीचे दे रखे हैं। तो हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिए आप, ओ यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, ओ ओ क्यू क्यू, मतलब ये 4 से रिपीट कर रहा है, 4 नंबर से ये रिपीट कर रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ओ क्यू आई क्या हो गया, ये ओ क्यू आई 1 2 3। यहाँ हमें क्या पैटर्न देखने को मिला, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करते हैं हम, उसमें देखा हमने ऑर्डरिंग की, और इसमें हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपको ट्रिक यहाँ हल्की सी दिखाई दे रही है, ऊपर जो दे रखा है वो नीचे उलट पलट के दे दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, पैटर्न ये हमारा ये काम कर रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, हमें नंबरिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कहाँ से रिपीट किया था, यहाँ कोड और 4 से, तो यहाँ हमें हमारा आंसर कैसे निकलेगा, F चौथे नंबर पे क्या है, F उसके बाद K E F K E फिर उसके बाद K E F F E K, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे क्या आएगा, 1 2 3 E F K, यही क्या है हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। समझ आ गया होगा आपको पैटर्न क्या काम कर रहा था, ध्यान से देखने पर ओ आई क्यू चार चौथे नंबर से रिपीट कर रही थी ये सीरीज, ओ आई क्यू ओ क्यू क्यू ओ आई क्यू ओ ओ क्यू क्यू क्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से ये रिपीट कर रही थी, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 लास्ट में दे रखा था 12 के बाद, इसी प्रकार हमने वहाँ जो कोड यहाँ यूज होगा वही कोड यहाँ यूज होगा, इसी प्रकार हमने अपना आंसर निकाला। नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
एल ई ए डी ई आर, लीडर, एल ई ए डी ई आर, लीडर, लीडर को क्या कहा जा रहा है, ई एल डी ए आर ई कहा जाता है, उसी कूट भाषा में फाउंटेन को क्या कहा जाएगा, फाउंटेन, एफ ओ यू एन टी ए आई एन, ठीक है ना, फाउंटेन को क्या कहा जाएगा। तो यहां हम देखते हैं, हमने आपको अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, हमने बताया था अगर जो पहले लेटर्स दे रखे हो अब वही नीचे रिपीट करें तो वो हमारा ऑर्डरिंग वाला पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा, और कोई लॉजिक इसमें काम कर रहा होगा। आप देखिए यहां से एल ई ए डी ई आर, तो एल यहां भी है, ई यहां भी है, ए यहां भी है, डी, मतलब सारे लेटर्स ऊपर है और सारे लेटर्स नीचे है। तो यहां से ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है ई ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस वाले स्थान पर ये चेंज हो रहे हैं, यहां से एल, ठीक है ना, इसी प्रकार ये ए यहां आ रहा है और ये डी यहां आ रहा है, ये अपनी स्थान चेंज कर रहे हैं क्रॉस की स्थान पर, ठीक है ना, क्रॉस पैटर्न में, ये अपना स्थान चेंज कैसे कर रहे हैं, क्रॉस पैटर्न में, एल यहां से, एल इधर आ गया, ई इधर आ गया, तो यहां भी यही क्रम हो रहा होगा, एफ यहां आ जाएगा और ओ यहां आ जाएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार यहां से यू यहां आ जाएगा और एन यहां आ जाएगा, ठीक है ना, और टी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा और आई यहां आ जाएगा और एन यहां आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकला, ओ F N U U A T N I, यही क्या हमारा राइट आंसर, समझ आया होगा आपको, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। आगे फाइव क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी मन्यु दे रखा है ए बी एच आई, ए बी एच आई एम ए एन बाई यू, अभी मन्यु इसे क्या लिखा जा रहा है, बी ए आई जे एन बी ओ यू बाई, अब तू निकलवा क्या रहा है हमसे, वो करम पुत्र, के ए आर एम पी यू टी आर ए, ठीक है ना, उसने पूछा, जब इसमें जो लॉजिक काम करेगा, जो कोड इसमें किया गया है वही कोड यहाँ लगेगा। तो यहाँ हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप ऑर्डरिंग देखिए, या एक पैटर्न तो आपको वहाँ से मिल गया, और एक बताया था या सारे लेटर्स इसमें रिपीट कर रहे हो, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, एच एच देखो यहाँ एच नहीं मिल रहा, और यहाँ से देखने पर पता चल रहा है एच आई एम ए एन, और यहाँ से देखिए बी, ठीक है ना, बी तो यहाँ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और बाई देखिए बाई यहाँ भी आ रहा है, यू यहाँ भी आ रहा है, तो स्टार्टिंग के जो दो लेटर्स है ना ये आपस में क्या है, क्रॉस पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, ए यहाँ आ रहा है और बी इधर आ रहा है, इसी पर जो दो लेटर हैं लास्ट के, जो दो लेटर हैं मल्टीप्लाई क्रॉस पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट के जो दो लेटर हैं वो भी क्रॉस पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, यू इधर आ रहा है और बाई इधर आ रहा है। अब यहाँ से ये तो दो मिल गए हमें, ये लास्ट वाले भी मिल गए, इसी प्रकार पहले यहाँ लगाते हैं फिर बाई ऑप्शन चेक करते हैं, हम ए यहाँ आ गया और के इधर आ गया, उसके बाद आर इधर आ गया और ए इधर आ गया। अब आप देखिए कि हमारे कौन सा ऑप्शन इसमें मैच खा रहा है, स्टार्टिंग क्या दे रखी है, ए के, ए के हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं, ए और सी, मतलब ए बी सी हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ए के थे, तो ए के में हमारा एक तो ए आ रहा है और एक सी आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया और डी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गए। अब बचा क्या हमारे ए और सी, दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में अब क्या देखना है हमको, लास्ट में क्या आ रहा है, ए आर, ए आर किस में आ रही है हमारी, ए और सी ऑप्शन चेक करना है, ए ऑप्शन में देखो आप ए आर आ रही है, ठीक है ना, और सी ऑप्शन चेक करें इसमें आ रही है एस बी, मतलब सी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या निकला, ए ऑप्शन, राइट आंसर क्या निकला हमारा, ए ऑप्शन। और आपको बताएं, चलो ऐसे तो आपने आंसर निकाल लिया,
ठीक है ना। अब आपको यही लॉजिक बताते हैं कि हमें मिल गए क्रॉस पैटर्न से और पीछे की भी मिल गए क्रॉस पैटर्न से, बचे क्या है हमारे बीच वाले जो लेटर है उनमें क्या फॉलो हो रहा है, उसके लिए हमने आपको बताया था नंबरिंग करनी है। इसमें क्या है, हमने दोनों पैटर्न यूज कर दिए, इसमें ऑर्डरिंग वाला भी यूज कर दिया और जो क्रॉस पैटर्न बताया था हमने वो भी यूज कर दिया, ठीक है ना। तो एच किस स्थान पर आता है, 8 स्थान पर, आई 9 स्थान पर, एम 13 पे और ये 1 पर और ये 14 पे, और यहाँ से देखो आप आई 9 पर ये 10, ये 14, ये 2 और ये ओ 15, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 8 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो किस कैसे होगा, प्लस 1 करने पर, और ये 9 से ये भी प्लस 1 करने पर, ये 13 से 14 ये प्लस 1 करने पर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, प्लस 1 लॉजिक काम कर रहा है। बीच में जो 5 लेटर बचे हुए हैं इनमें क्या है, प्लस 1 लॉजिक काम कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस 1, ठीक है ना। जब आर क्या होता है 18, ये 13, ये 16, ये 21, ये 20, ठीक है ना। जब 18 में एक जोड़ते हैं 19 क्या होता है, एस, एम 13, एक जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 14 क्या होता है, एन, ये 16 और 16 में एक जोड़ते हैं 17, ये क्या हो गया, क्यू, और 21 में एक जोड़े तो ये वी, और टी में एक जोड़े तो यू, तो हमारा आंसर क्या निकला, ए के एस एन क्यू वी यू ए आर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन, नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। हमने इस सवाल में दोनों पैटर्न लागू कर दिए, दो पैटर्न हमने आपको बताए हैं, दो टाइप्स के, एक तो ऑर्डरिंग वाला बताया हमने, स्थान पता होना चाहिए आपको, और एक बताया है क्या के अगर ऊपर जो शब्द है वो रिपीट नीचे भी करे तो आप क्रॉस से देखिए, या दो स्थान छोड़ के होंगे वो, या एक स्थान छोड़ के होंगे, इस तरीके से भी हमने आपको बताया। दोनों सवाल जो पैटर्न हमने बताए थे इसी सवाल में हमने वो यूज कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है, ओ एफ जी बराबर एम, ठीक है ना, और आगे दे रखा है आई सी एम बराबर पी, तो के डी ई बराबर क्या होगा, के डी ई बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो स्थान आपको हमने बताया वो उसे निकालो, उसे वो यहाँ लिख दो, ओ किस नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, ठीक है ना, और एम किस नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 15 और 6 7, अगर यहाँ से पीछे के जो डोज 6 और 7 इनको जोड़ते हैं क्या मिलता है, हमें 13 मिलता है, तो ये पैटर्न यहाँ भी लागू होना चाहिए। आई क्या है 9 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, और एम 13 नंबर पर, और पी क्या है, ये 16 नंबर पर। अब पीछे के जो दो लेटर दे रखे हैं 13 और 3, कितना निकला हमारा, ये 16, मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ये कोड हमारा यहाँ काम कर रहा है। अब आगे का जो अंक है, जो लेटर है आगे का, वो क्या है, उसका मान निश्चित है, इसका 15 का यहाँ ओ का कोई काम नहीं है, इसे आप 0 मान लीजिए। जो पीछे के दो लेटर हैं वही क्या है हमारे यहाँ ऐड होके, जो बराबर में जो संख्या वो दे रखी है, लेटर दे रखा है, उसके बराबर आ रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ भी वही होना चाहिए। तो डी किस नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर, तो यहाँ से क्या निकला हमारा, 9, और 9 क्या होता है, आई, यही क्या हमारा राइट आंसर, ठीक है ना, समझ आया होगा आपको, नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, सेवन क्वेश्चन क्या है, टीचर दे रखा है हमको, ठीक है ना, और टीचर का कोड क्या दे रखा है, TFC FLJX, ठीक है ना।
और आगे क्या निकलवा रहा है वो, कैचर, सी ए टी सी एच ई आर, ठीक है ना, इसका कोड वो निकलवा रहा है। तो यहाँ से आप देखिए टी कौन से स्थान पर आता है, 20 पर, ई आता है 5 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, और ये 8, ये 5, और ये 18, ठीक है ना, ये 20, ये 6, ये 3, ये 6 नंबर पर, ये 12, ये 10, और ये 24 नंबर पर। जब हम यहाँ से देखें 20 और ये 20, टी और टी दोनों सेम दे रखे हैं, तो ये क्या हो रहा होगा, प्लस 0 करने पर हमें मिल रहा है। यहाँ से 5 से एफ देखें, 5 और ये एफ क्या 6, ये प्लस 1 करने पर, यहाँ से देखें तो प्लस 2 करने पर, यहाँ से देखें प्लस 3 करने पर, यहाँ से देखें प्लस 4 करने पर, यहाँ से देखें प्लस 5 करने पर, यहाँ से प्लस 6 करने पर, तो हमें पैटर्न क्या मिला, पैटर्न मिला हमें प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ये कोड हमारा काम कर रहा होगा, सी का स्थान क्या है 3, ये 1, ये 20 पर, ये 3, ये 8, ये 5, और ये आर 18 पर। अगर हम यहाँ से देखें क्या हो रहा है, ये प्लस 0, ठीक है ना, प्लस 0 करते हैं तो सी मिलेगा, इसमें प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है ना, यहाँ से सी, यहाँ से ए में, यहाँ से बी, ठीक है ना, और इसमें 2 करते हैं तो क्या निकला हमारा, ये 22, 22 क्या होता है वी, इसमें 6, 6 क्या होता है एफ, और यहाँ से ये एल, यहाँ से जे, 5 जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 10, और 10 क्या होता है जे, और 18 में 6 जोड़ते हैं तो 24, 24 क्या होता है एक्स, तो हमारा राइट आंसर क्या निकला, सी बी वी एफ एल जे एक्स, सही क्या हमारा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, एफ एल जे एक्स, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आठवां, आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, स्माइल दे रखा है, एस एम आई एल ई, ठीक है ना, स्माइल, स्माइल को क्या दे रखा, क्या लिखा है उसने, कोड दे रखा है स्माइल का एच एन आर ओ वी, ठीक है ना, और उसमें निकला क्या रहा है वो टी ई ए सी एच, टीच, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें एस क्या है हमारा 19 नंबर पर, एम 13, ये 9 नंबर पर, ये एल 12 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ठीक है ना, और एच क्या है 8 नंबर पर, एन 14, ये 18, ये 15, ये 22। अगर हम यहाँ से देखें 19, 8, कोई पैटर्न काम नहीं कर रहा, यहाँ से चलो 13 प्लस 1 करते हैं, पर यहाँ से भी कोई पैटर्न हमारा नहीं लग रहा, 12, 15, कोई भी हमारा लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा, तो यहाँ और कोई लॉजिक हमारा लग रहा होगा, तो लॉजिक क्या लग रहा है आपको ध्यान से अगर देखें आप, तो एच और एस, हमने क्या बताया था एच का विपरीत क्या होता है एस, हसना, हसना थे हमने बताया था आपको एच और एस, तो और यहाँ भी देखिए एम और एन दे रखे हैं, तो हमने बताया था एम ए एन, एम का विपरीत क्या एन, इसी प्रकार आई का इंडियन रेलवे, एल का लॉयन, तो ये आपस में क्या है विपरीत दे रखे हैं एक दूसरे के, क्या है आपस में ये विपरीत हैं, तो यहाँ भी क्या होगा ये विपरीत ही होंगे, टी का विपरीत क्या होता है जी, ई का वी, ए का जेड आजाद, सी का क्रैक्स एक्स, एच का हस, हमारा आंसर क्या निकला जी वी जेड एक्स जेड एक्स एस, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जी वी ए ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है ना, इसमें दे रखा जी वी जेड एक्स एस, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा, नाइन क्वेश्चन हमें दे रखा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को उसने कोड कर रखा है ई एक्स
एफ डब्लू बी यू एफ और एक्स आ रहा है वो डब्ल्यू ओ यू एन डी एस, ठीक है ना, इसका कोड उसने पूछा है डब्ल्यू ओ यू एन डी एस। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका ऑर्डर जो ऑर्डर क्रम है इसका लीजिए, ठीक है ना, ये दो पर, एक पर, ये तीन पर, ये 20, ये 5, ये 18 और ये 9, ये 1, ठीक है ना, ये ई का कौन सा 5, 24, 6, 23, 2, 21, 6, ये 24, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए लॉजिक हमारा क्या लग रहा है, 2 से 5 बना है तो प्लस 3 करने पर बन गया होगा, ठीक है। यहाँ से ए से 24, ए क्या एक नंबर पर और ये एक्स बन रहा है 24 नंबर पर, तो कैसे बना होगा ये, माइनस 3 करने पर, ठीक है ना। एक मैसेज आप माइनस 3 करोगे आप तो पहले तो ए गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है जेड, पीछे जाओगे आप फिर उसके बाद क्या गया भाई, तो एक तो यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, कितने हो गए माइनस के, 3 करने पर हमें क्या मिल रहा है ये एक्स मिल रहा है। और यहाँ से देखें 3 से ये 6 बन रहा है तो ये प्लस 3, ये टी 20 है, ये डब्लू 23 है तो यहाँ से प्लस 3, यहाँ से ई 5 है और ये बी आ रहा है 2 तो ये माइनस 3, ये आर 18 है और ये क्या है यू 21 नंबर पर तो क्या आ रहा है प्लस 3, आई ये क्या है 9 नंबर पर, एफ आ रहा है ये 6 नंबर पर तो ये माइनस 3, ए 1 नंबर पर और एक्स बन रहा है तो ये माइनस। तो आपने यहाँ ध्यान से देखा, यहाँ तो हमें प्लस 3 मिल रहा है और यह माइनस 3 पर प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3, मतलब कोई लॉजिक सा ही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ। पहले तो आपको मैं बता दूँ ये अब की बार सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ तो दम होगी, कुछ तो बात होगी, तो यहाँ कोई ना कोई पैटर्न लग रहा होगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारे ए, ये और ये ई, ये आई और ये ए, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ क्या हो रहा है माइनस 3 और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ भी माइनस 3 और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ भी माइनस 3 और यहाँ भी माइनस 3, तो ए ई आई ए ये क्या है सारे वोवल्स, तो यहाँ क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट में व्यंजन में क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है और वोवल्स में क्या हो रहा है माइनस के 3 हो रहा है। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन है उसमें प्लस 3 हो रहा है और जो स्वर है वोवल्स है हमारा वोवल उसमें क्या हो रहा है माइनस 3 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा। पहले तो आप इसका नंबरिंग कीजिए, ये 23 पर, ये 15 पर, ये 21 और ये 14 और ये 4 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, ठीक है ना, जो कॉन्सोनेंट है उनमें प्लस 3 कर दीजिए, इसमें प्लस 3 करते हैं 23 और 3 26, तो क्या निकला हमारा ये 26 पे क्या होता है जेड, ठीक है ना, यहाँ से हमारा ये जेड और ये क्या है हमारा बोवल्स, ठीक है ना, बोवल्स में क्या करते हैं माइनस 3, माइनस 3 करेंगे तो क्या निकलेगा ये 12 और 12 क्या होता है L और ये क्या है हमारा ये भी बोवल्स, तो 21 में से माइनस 3 करते हैं क्या निकला हमारा 18 और 18 क्या होता है R और ये N हमारा ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट है, इसमें अगर प्लस 3 करेंगे तो 17, 17 क्या होता है Q और ये भी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, इसमें प्लस 3 करेंगे तो क्या निकला 7 और 7 क्या होता है G, ठीक है ना, S 19 और उसमें ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें प्लस 3 करेंगे क्या निकला हमारा 22 और 22 क्या होता है बी, यही क्या हमारा राइट आंसर, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जेड एल आर क्यू जी बी, बी ऑप्शन हमारा यह राइट है, ठीक है ना, यही क्या हमारा राइट आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सीजीएल 2022 में अब की बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसमें लॉजिक आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना, जो वोवल्स है उसमें प्लस माइनस 3 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में प्लस के 3 हो रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पैटर्न था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10वां, सी डबल एच ए पी ए के को क्या कहा जा रहा है, डी जे के ई यू जी आर,
ठीक है ना। पूछा क्या उसने, मलंगा एम ए एल ए एन जी ए, ठीक है ना, एम ए एल एन जी ए। यहाँ आप देखिए ये 3 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, एक ये 16, एक ये 11 नंबर पर, यहाँ से 4, ये 10, 11, ये 5, 21, 7, 18, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, 3 में 4 हो रहा है 3 से, तो +1, यहाँ से +2, यहाँ से +3, यहाँ से +4, यहाँ से प्लस के कितना 5, और यहाँ से, ठीक है ना, ये क्या है 1, और ये 7 हो रहा है प्लस के 6, और यहाँ से 11 और ये 18 हो रहा है प्लस के 7। तो लॉजिक लग रहा है हमारा, +1 +2 +3, हर एक लेटर जैसे बढ़ता जा रहा है उसमें वही नंबर बढ़ता जा रहा है प्लस ओके, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा होगा। एम क्या है 30 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 1, एन 14, ठीक है ना, जी 7, और ये 1 नंबर पर। इसमें +1 करें, +2 +3 +4 +5 +6 +7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 13 में जब 1 जोड़ते हैं तो 14 है, 14 क्या होता है एन, और 1 में 2 जोड़े 3, 3 क्या होता है सी, और 12 और 3 15, 15 क्या होता है ओ, ठीक है ना, और ये क्या है 1 में 4 जोड़े तो ये ई, ठीक है ना। एन 14 और 5 जोड़ते हैं तो 19, 19 क्या होता है एस, जी में 6 जोड़े 13, 13 क्या होता है एम, और 1 में 7 जोड़े तो 8, 8 क्या होता है एच। यही क्या है हमारा राइट आंसर, सभी में क्या हो रहा है +1 +2 +3, इसी प्रकार यहाँ भी ये फॉलो होगा, यही क्या हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 10 का, NCO ESMH, डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट है, ठीक है ना, नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। इलेवन क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भी हमारा सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है जो 2022 में 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है ना। तो 11 में क्वेश्चन क्या है, पी ए टी ई एल एस, ठीक है ना, इसे क्या कहा जा रहा है, बी क्यू एफ यू टी एम, ठीक है ना। तो एन ई सी टी ए आर में क्या संबंध होगा, इनका आपस में जो दो जो संबंध दे रखा है उसका भी आंसर से वही संबंध होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पी का क्या नंबर होता है ऑर्डर 16, एक ये 20, ये 5, ये 12, ये 19, ये 2, 17, 6, 21, 20 और ये 13, यहाँ से देखें तो ये पैटर्न हमारा नहीं काम कर रहा। ध्यान से देखें आप, पी ए टी ई एल एस और बी क्यू एफ यू टी एम, आप अगर यहाँ से देखें सीधे सीधे तो ये लॉजिक हमारा यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ भी देखें तो ये लॉजिक हमारा कहीं भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ एक ट्रिक काम कर रही है, ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है, ए से हमारा क्या बन रहा है प्लस वन करें हम, ठीक है ना, प्लस वन करते हैं तो बी बनता है, और पी में प्लस वन करते हैं तो 17 क्यू बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार टी में प्लस वन करेंगे तो यू, ई में प्लस वन करेंगे तो एफ, इस प्रकार एल में प्लस वन करते हैं तो एम, और एस में प्लस वन करते हैं तो टी। तो यही भी ये लॉजिक हमारा यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है ना। एन क्या है हमारा 14वें स्थान पर, ये 5, ये 3, ये 20 और ये 8 और ये 18। तो यहाँ अगर हम प्लस वन करें 15 क्या होता है ओ, ई में प्लस वन करते हैं, ई के बाद क्या आता है एफ, सी में प्लस वन करें तो डी, और टी में प्लस वन करें तो यू, ठीक है ना। और इसी प्रकार आर में प्लस वन करते हैं तो 19, एस ए में प्लस वन करते हैं तो 20। तो हमारा आंसर क्या निकला यहाँ से, एफ ओ यू डी एस बी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ 11 का, एफ ओ यू डी एस बी, सी ऑप्शन सही है हमारा यहाँ, देखिए हमारा राइट आंसर। समझ आया होगा आपको क्या हो रहा है, ये क्रॉस पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, प्लस वन करने पर ये हमारा पहली जो लेटर है वो मिल रहा है, इसमें प्लस वन करते हैं तो हमें ये दूसरा लेटर मिल रहा है, इसी प्रकार सारे लेटर्स इसी प्रकार क्रॉस पैटर्न में ये फॉलो हो रहे हैं,
ठीक है ना। तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 12, MONEY मनी को क्या कहा जा रहा है, PRQ HV ठीक है ना, के रूप में लिखा जाता है समान कूट भाषा में, इसी कोड में जिसमें जो कोड लागू होगा उसी कोड में क्रेडिट CREDIT को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम देखते हैं, देखिए कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है इस तरीके से, तो हमें क्या नंबरिंग करनी होगी, यहाँ एम क्या है हमारा 13, ये 15, ये 14, ये 5, ये 25, ये 16, ये 18, 17, 8 और ये 2। यहाँ से हम देखें 13 और 16, 13 से 16 बना होगा प्लस 3 करने पर, 15 से R जो बना है 18 रहते प्लस 3 करने पर, ये 14 से 17 प्लस 3 करने पर, ये 5 से 8 प्लस 3 करने पर, 22 से B बना है ये 25 में, 22 के बाद क्या होगा, क्या आएगा हमारा 22 के बाद Z, उसके बाद A, उसके बाद B, तो 1, 2, 3, तो यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस 3, सभी में क्या हुआ है प्लस 3 हुआ है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें, ये 3 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 9, ये 20, सभी में क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, ठीक है ना, सभी में प्लस 3 हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 में प्लस 3 करते हैं तो क्या होता है 6, और 6 क्या होता है F, 18 में प्लस 3 करेंगे तो 21 क्या होता है U, E में 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 क्या होता है H, 4 और 3 7, 7 क्या होता है G, 9 और 3 12 L, और 23 जोड़ें तो W होता है 23 नंबर पर, ठीक है ना, यही क्या हमारा राइट आंसर। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, F U H G L W, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट है, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आपको क्या करना है होमवर्क में, सबसे पहले तो आपको हमने जो ऑर्डरिंग बताई है, जो स्थान बताया, आपको उनको याद करना है, जैसे हमने वो ट्रिक बताई है JOTY के माध्यम से याद करना है, और जो विपरीत क्रम बताया ना उसकी भी हमने ट्रिक बताई है आपको, वो भी ट्रिक के माध्यम से याद करना है, ठीक है ना। तब और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना, हम PDF डलवा देंगे आपको, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके डाउनलोड कर लेना, या टेलीग्राम की लिंक दे देंगे वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, और इन्हीं पैटर्न पर आप और भी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। जैसे विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई भी बुक हो या कोई प्रैक्टिस सेट हो उसके माध्यम से भी आप प्रैक्टिस करना। तो लेटर कोडिंग आज हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, दो चार पैटर्न के सवाल और बचे हुए हैं लेटर कोडिंग में, फिर इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हम नंबर कोडिंग की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जय हिंद साथियों।